नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता है बहुत सारी ऐसी अपडेट, चाहे स्टूडेंट के बारे में हो, चाहे टूल्स के बारे में, चाहे MBBS के बारे में हो, चाहे वो सेटलमेंट के बारे में हो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है स्लोवेनिया कंट्री के बारे में। तो स्लोवेनिया जो कंट्री है वो शेंगेन की कंट्री है, जो कि यूरोप का हिस्सा है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम अप्लाई कम बजट के साथ। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी फेब इंटेक शुरू होने वाला है, क्योंकि सितंबर इंटेक के लिए बस कुछ ही दिन बचे एडमिशन बंद होने के लिए। अगर आपको ये चांस मिस हो जाता है तो फेब इंटेक में बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास 10th और 12th में आपके 55% नंबर होने बहुत जरूरी है। IELTS यहाँ पे मैंडेटरी है, PTE भी मैंडेटरी है। तो कम से कम आपका जो स्कोर है 5.5 बैंड से कम ना हो, 5.5 बैंड से ज़्यादा ही हो। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको IELTS वहाँ पे देना पड़ता है। पहले वहाँ पे MO के साथ भी अप्लाई हो जाता है, अब उन्होंने थोड़ा रूल चेंज कर दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है स्लोवेनिया में, एडमिशन लेना थोड़ा टफ है। जब भी आप स्लोवेनिया में एडमिशन लें, एक अच्छे एजेंट से आप जरूर सलाह लें कैसे आपने एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी तक किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ स्टडी के बारे में, चाहे वो बैचलर में जा रहा हो, चाहे वो मास्टर में जा रहा हो। अदर और भी कंट्री है जहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, माल्टा हो गया, और अपना इटली हो गया, जहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिछले 4-5 साल से। लेकिन लोग फिर भी अप्लाई करते जा रहे हैं एजेंट के कहने पे कि वहाँ पे वीज़ा 100% में मिलता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वहीं पे अप्लाई करें जहाँ पे एडमिशन भी ईजिली आ जाए और वीज़ा भी ईजिली आ जाए, और आप पिछला रिकॉर्ड भी देखें वहाँ पे कितने वीज़े मिल रहे हैं, आप वहीं पे अप्लाई करें। ये ना हो कि 4 साल से इटली ने वीज़ा नहीं दिया था, आप वहीं पे अप्लाई करते जा रहे हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। हमें थोड़ा इसके प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। इसका तो प्रोसेस ऐसा ही, जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं छोटी सी एक इंटरव्यू क्लियर करनी होती है। इंटरव्यू क्लियर कर लेने के बाद यहाँ से कंडीशन लेटर मिल जाता है। फीस पे करने के बाद भी TT के साथ विद रिसिप्ट उसकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन लेटर के साथ में हम बैसी में फाइल सबमिट करानी होती है। जब हम बैसी में फाइल सबमिट करवाते हैं उसमें हमारी बैंक स्टेटमेंट, PCC, मेडिकल का होना बहुत जरूरी है। जब हमारी फाइल वहाँ पे सबमिट हो जाती है वहाँ पे हमारी एक इंटरव्यू होती है, और 5 से लेकर 10 मिनट की इंटरव्यू होती है फॉर्मेलिटी के लिए। एम्बेसी वाले इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछते हैं या यूनिवर्सिटी वाले आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, वो भी क्वेश्चन की लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जब स्लोवेनिया में आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो यहाँ पे 1-2 महीने का वीज़ा नहीं मिलता, यहाँ पे सीधा रेजिडेंसी कार्ड दिया जाता है जिसको हम TRC कार्ड बोलते हैं। TRC कार्ड मिलते ही आप यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं, विद इन 10 या 15 दिन के अंदर भी फ्लाई कर सकते हो आप। जहाँ की जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है 3 लाख से लेकर 5 लाख के फीस में आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, चाहे वो आप टूरिज्म के लिए जाएँ, चाहे आप कॉमर्स के लिए जाएँ, चाहे आप BTech के लिए जाएँ, वहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी प्रकार के एडमिशन में या वीज़ा में दिक्कत आ रही है, आप नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ या ईमेल आईडी के साथ अपना डाटा मुझे शेयर करके आप उसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।